सेना अध्यक्ष विपिन रावत ने उत्तर पूर्व के राज्यों में होने वाली घुसपैठ के लिए पाकिस्तान और चीन को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन उनके बयान पर विवाद पैदा हो गया है। दूसरी ओर बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने असम में तैयार किए जा रहे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की योजना को घातक करार दिया है। बांग्लादेश ने चेताया है कि इससे इलाके में रोहिंग्या शरणार्थियों जैसा एक और संकट खड़ा हो सकता है। दिल्ली के एक सेमिनार में सेनाध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने उत्तर पूर्व के राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठ की दो बड़ी वजहें गिनाई। Migration from Bangladesh is happening because of two regions. Reasons. One is Lebanon. You know, they are running short of space. Large part of their areas get flooded under water during monsoons. So they've got very constricted areas to stay in. So I think people will continue coming into our place, into our areas. And the other issue is a planned immigration that is taking place because of our western neighbor. अवैध घुसपैठ के मद्देनजर उन्होंने उत्तर पूर्व के राज्यों में चल रही आबादी की पहचान को केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम बताया। आई थिंक द सॉल्यूशन लाइज इन एटलीस्ट आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड होलिस्टिकली लुकिंग एट एवरीथिंग इन पर्सपेक्टिव, बट डेवलपमेंट इज द मेन इशू एंड आइडेंटिफाइंग द पॉपुलेशन ऑफ दिस एरिया विद द पॉपुलेशन ऑफ द मेनलैंड बिकम्स इंपॉर्टेंट। मगर दिल्ली में जनरल रावत ने जिस वक्त आबादी की पहचान को जरूरी बताया, ठीक तभी बांग्लादेश में भारतीय पत्रकारों से मुखातिब शेख हसीना सरकार ने भारत सरकार के इस कदम को लेकर चेतावनी जारी कर दी। बांग्लादेश सरकार ने कहा कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की वजह से बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों जैसा एक और संकट पैदा हो सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश में सक्रिय भारत विरोधी तत्व और आवामी लीग की सत्ता को चुनौती देने वाले इस्लामिक कट्टरपंथी तत्व इसे भुनाने की कोशिश करेंगे। असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एक संवेदनशील मुद्दा है और अब बांग्लादेश भी इसे लेकर सतर्क है। इसमें जरा भी चूक होने पर न सिर्फ आंतरिक गतिरोध पैदा होगा बल्कि भारत और बांग्लादेश के मजबूत कूटनीतिक संबंधों पर भी संकट मंडराने लगेगा। हालांकि बांग्लादेश सरकार को भरोसा है कि असम में NRC को पूरी तरह लागू करने से पहले भारत सरकार दोनों देशों के दोस्ताना रिश्ते पर गौर करेगी। वहीं दिल्ली में जनरल रावत ने यह भी कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से इलाके में आबादी का समीकरण बदल पाना मुश्किल है, लेकिन इसी दौरान उन्होंने असम में सक्रिय दल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट BJP से भी तेजी से बढ़ा है। दूसरी ओर निशाने पर आए पार्टी के मुखिया बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि जनरल रावत ऐसे बयान देकर न सिर्फ खुद को राजनीति में घसीट रहे हैं बल्कि संविधान का उल्लंघन भी कर रहे हैं। अजमल ने पूछा है कि क्या सेनाध्यक्ष तथ्यों की पड़ताल नहीं करते या फिर वे दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। शाहनवाज मलिक, गो न्यूज़ ब्यूरो।